जियो और धन धना धन के बाद रिलायंस करने वाला है एक और बड़ा धमाका। जियो के धमाके से मोबाइल मार्केट में आ जाएगी नई क्रांति। खबर है कि रिलायंस अपना 4G वोल्टी स्मार्टफोन इसी महीने लॉन्च कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक 21 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना बैठक में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है। खबर के मुताबिक इस फोन की कीमत महज 500 रुपए होगी और पहली खेप में ऐसे करीब 2 करोड़ फोन मार्केट में आ सकते हैं। रिलायंस के इस क्रांतिकारी फोन की पहली खेप जुलाई के आखिरी हफ्ते या फिर 15 अगस्त के आसपास आने की उम्मीद है। दरअसल रिलायंस जियो की नज़र अब भारत के उन करोड़ों यूजर्स पर है जो महंगे स्मार्टफोन के चलते 2G सेवा का ही उपयोग कर रहे हैं। अगर रिलायंस अपना ये फोन लेकर मार्केट में आता है तो उसके ग्राहक सीधे 2G से 4G पर अपग्रेड हो जाएंगे। साथ ही इस मौके पर रिलायंस जियो अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान भी कर सकती है, यानी शानदार फोन के साथ शानदार डेटा प्लान और टॉक टाइम का एक नया ऑफर रिलायंस कस्टमर के सामने पेश किया जाएगा। साफ है कि रिलायंस अपनी अग्रेसिव स्ट्रेटजी से पूरे मार्केट पर कब्जा करने का सपना देख रही है। हालांकि इससे पहले रिलायंस जियो और धन धनाधन ऑफर से पहले ही धमाल मचा चुकी है, लेकिन अगर एक बार फिर से भारत के मार्केट में 500 रुपए का मोबाइल फोन आता है तो मोबाइल मार्केट में एक बार फिर से भूचाल का आना तय है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।